हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ड्रामे में सेव होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार करेंगे, कर रहे थे ना। सो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज इसलिए भी गुड न्यूज़ है क्योंकि मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी एंड बहुत सारे लोग के पॉप आइडल बनना चाह रहे होंगे एंड इन फ्यूचर में उनका सपना होगा कि वो भी के पॉप आइडल बने, जैसे कि प्रियंका मजुमदार इंडिया से बिलोंग करती हैं एंड वो करेंटली के पॉप में वर्क कर रही हैं एंड वैसे ही आपका भी सपना होगा। बट बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे टेंशन होंगे कि दी हमारा तो लाइक लुक्स वाइज वहाँ जज ना करें एंड पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा एंड जब अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। सो मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूंगी, उसके साथ मैं आपको अभी रिसेंटली हुए ग्लोबल ऑडिशन में एक इंडियन गर्ल सिलेक्ट हुई हैं जो काफ़ी छोटी हैं, बट उसके बावजूद उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद उनको सिलेक्ट किया गया है एंड वो ग्रुप कौन सा है वो सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, सो आई होप कि आप एंड तक देखेंगे। सो पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो इनका नाम है श्रेया, जो बेसिकली ओडिशा से बिलोंग करती हैं। बट इनके बारे में बताने से पहले पहले मैं ये बता देती हूँ कि वो किस गर्ल ग्रुप यानी के पॉप गर्ल ग्रुप में सिलेक्ट हुई हैं। सो ब्लैक स्वान ग्रुप है, जो 5 मेंबर का एक ग्रुप है। ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर हैं उनका नाम है योंग हन, जो स्पेशली साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं एंड जो ब्लैक स्वान गर्ल ग्रुप की मेन वोकलिस्ट हैं। सेकंड मेंबर का नाम है फातू, जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं बट करेंटली एज अ के पॉप आइडल वो ब्लैक स्वान में एक्टिव हैं एंड उसके साथ साथ इनकी जो रैपिंग है, डांसिंग परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी ऑसम है। एंड आई नो कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा डाउटफुली होंगे कि दी अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सांवली है, हम गोरे नहीं हैं, तो क्या हम के पॉप आइडल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑडिशन दे सकते हैं? सो ऑफकोर्स दे सकते हो, एज यू ऑलरेडी नो दैट कि साउथ अफ्रीकन जो होते हैं वो उनका इस डार्क कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बावजूद भी वो सिलेक्ट हुई हैं एंड करेंटली वो एज अ के पॉप आइडल इसमें वर्क कर रही हैं। एंड इस ग्रुप में जो थर्ड मेंबर हैं उनका नाम है लिया एंड जो वोकलिस्ट हैं एंड लीड रैपर भी हैं एंड ये ब्राजीलियन जैपनीज मिक्स लाइक फैमिली से बिलोंग करती हैं। एंड इसमें फोर्थ मेंबर हैं उनका नाम है जूरी एंड फिफ्थ एंड लास्ट मेंबर जो हैं उनका नाम है हेमी, जिसने लास्ट ईयर में ही यानी कि 10th नवंबर में कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से उन्होंने ये ग्रुप छोड़ दिया था लास्ट ईयर, जिसके बावजूद सिर्फ एक मेंबर के लिए ये ऑडिशन ग्लोबली करवाए गए सो दैट कि उनको एक बेहतर कैंडिडेट मिल सके। अब हम यहाँ पर लक या हार्डवर्क भी बोल सकते हैं, जिसके वजह से श्रेया फाइनली इस ग्रुप में सिलेक्ट हुई हैं एंड सबसे कम एज में के पॉप आइडल बनने वाली भी वही हैं। सो ब्लैक स्वान गर्ल ग्रुप के लिए ग्लोबली ऑडिशन कराए गए थे जिसमें 4,000 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट लिया था, फिर उसके बाद 23 कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद जो फाइनल राउंड बचा था उसमें श्रेया को भी सिलेक्ट किया गया है। एंड ब्लैक स्वान गर्ल ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में BS भी बोलते हैं, जो एक साउथ कोरियन गर्ल ग्रुप है एंड जो DR म्यूजिक कंपनी के अंडर में वर्क करता है, जैसे बिग हिट में BTS वर्क करते हैं वैसे ही। एनीवे, अब हम बात करते हैं श्रेया के बारे में, जो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं एंड जिनका जन्म 2003 में हुआ था। एंड श्रेया सिंगिंग, डांसिंग एंड योगा में काफ़ी परफेक्ट हैं। उन्हें बहुत सारे डिफरेंट डांस परफॉर्मेंस आते हैं, लाइक ओडिसी, मॉडर्न फॉर्म्स जितने भी डांसिंग होते हैं एंड उसके साथ साथ कंटेम्प्रेरी भी उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उनका सिलेक्ट होना इस गर्ल ग्रुप में, के पॉप ग्रुप में सिलेक्ट होना एक लाइक लक भी बोल सकते हैं एंड हार्डवर्क भी बोल सकते हैं। लक मैं इसीलिए बोलूँगी क्योंकि अगर फिफ्थ मेंबर वो छोड़कर नहीं जाती तो ना ही ये ग्लोबली ऑडिशन कराए जाते एंड ना ही श्रेया को इसमें पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता। एंड हार्डवर्क इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि उनके हार्डवर्क की वजह से उनको सिलेक्ट किया गया, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लाइक उनकी डांसिंग सिंगिंग काफ़ी अच्छी है एंड जो एक के पॉप आइडल में होनी ही चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिगर। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिला होगा एंड श्रेया की तरह बहुत सारे लोग भी जाना चाह रहे होंगे के पॉप में, तो उनके लिए भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे इंडिया से के पॉप आइडल में सिलेक्ट होंगे तो उनको भी पता चलेगा कि इंडिया में काफ़ी टैलेंट है, लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड काफ़ी परफेक्ट हैं हर एक चीज़ में। तो इस वजह से इंडिया के लिए फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है एंड जो लोग भी के पॉप में जाना चाहते हैं उनके लिए भी फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे लाइक करना एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड अगर आप मुझसे कोरियन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर क्लिक करके सिंपली उस चैनल पर जाकर मुझसे कोरियन पढ़ सकते हैं अगर आप कोरियन लैंग्वेज में या कोरियन कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ओके, एंड अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जानना है या मुझसे कोई भी क्वेरीज करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। सो तब तक के लिए आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।